एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस इस वक्त प्रदर्शन कर रही है सीबीआई अधिकारियों की छुट्टी पर जाने को लेकर, और अब बड़ी खबर इससे जुड़ी मिल रही है कि राहुल गांधी गिरफ्तारी दे सकते हैं। जहां सीबीआई दफ्तर के बाहर आज दिल्ली में राहुल गांधी प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं राहुल गांधी, ये बड़ी सूचना मिल रही है। लोधी रोड पुलिस स्टेशन इस वक्त राहुल गांधी जा रहे हैं। लोधी रोड पर ही सीबीआई का कार्यालय है जहां पर राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और अब ये तस्वीर देखिए जहां लोधी रोड पुलिस स्टेशन इस वक्त राहुल गांधी जा रहे हैं। रात को 1 बजे आप कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हो और डायरेक्ट सीबीआई को हटाते हो, आप सुबह हटा सकते हो। अगर आपकी नींद साफ होती आप सुबह कर सकते थे इस काम को, रात को क्यों किया? एक्सपोज होगी पुलिस और गवर्नमेंट। अशोक गहलोत का कहना है कि पूरी तरह से जो काम यहां किया जा रहा है वो एक्सपोज करता है कि भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए यहां पर इन अधिकारियों को हटाया गया है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी अपनी गिरफ्तारी दे सकते हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं राहुल गांधी। दिल्ली के लोधी रोड पर ही सीबीआई का मुख्यालय है और इस मुख्यालय के बाहर थोड़ी देर पहले राहुल गांधी बैरिकेड पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे और थोड़ी देर पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी पैदल मार्च के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। तो जहां पूरी तरह से राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी इस मुद्दे को फुलाने में लगी हुई है, और आज जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई भी की है और सीवीसी को 2 सप्ताह के भीतर जांच कर रिपोर्ट बंद लिफाफे में देने के आदेश दिए हैं। कई यहां याचिकाएं डाली गई थी कोर्ट में और राहुल गांधी से पहले ये कह चुके हैं कि एक बड़ा ये घपला है, भ्रष्टाचार है, प्रधानमंत्री मोदी के हाथ इसमें है। और इससे पहले भी अपनी सभाओं में राहुल गांधी ने प्रधान सेवक चोर है, चौकीदार चोर है के नारे कई बार लगवाए थे जब वे राजस्थान भी कल मौजूद थे। और आज इन्हीं आरोपों को लेकर राहुल गांधी पार्टी को लीड कर रहे हैं, राहुल गांधी अपनी गिरफ्तारी दे सकते हैं, पुलिस स्टेशन के लिए पूरे कार्यकर्ताओं की हुजूम के साथ वे निकल पड़े हैं। लोधी रोड पुलिस स्टेशन की ओर राहुल गांधी का ये पूरा काफिला आगे बढ़ता हुआ, और अभी भी यहां चौकीदार चोर है के नारे लग रहे हैं। राहुल गांधी अपनी सभाओं में भी इस तरह के नारे लगवाते रहे हैं। तो राहुल गांधी अपनी गिरफ्तारी दे सकते हैं, इस मामले में प्रदर्शन यहां पूरे देश भर में सीबीआई कार्यालयों के बाहर किया जा रहा है। जयपुर की तस्वीरें भी पहले हमने आपको दिखाई थी, फिलहाल दिल्ली के लोधी रोड की ये तस्वीर देखिए जहां पूरे हुजूम के साथ राहुल गांधी नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर और खास तस्वीरें भी। इंस्टीट्यूशन को भैया चुप चुप, नरेंद्र मोदी जी ने नष्ट करने का काम किया है। नष्ट करने का काम किया है, ये सीबीआई ऑफिस है, इस पे लोग खड़े हैं, ये जानता हूँ मैं जानता हूँ कहाँ है, इस पे लोग खड़े हैं और इस बिल्डिंग के अंदर लोग हैं और ये पुलिस वाले खड़े हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम आप पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, आप पर आक्रमण प्रधानमंत्री कर रहा है। चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन पर नरेंद्र मोदी आक्रमण कर रहा है। और इसी इसका आक्रमण, इस आक्रमण का सिर्फ एक कारण है, नरेंद्र मोदी अनिल अंबानी की जेब में डाले हैं, हिंदुस्तान की वायुसेना से छीना, इन पुलिस वालों से छीना, हिंदुस्तान की सरकार से छीना, और 45,000 करोड़ के कर्जे वाले बिजनेसमैन की जेब में नरेंद्र मोदी ने डाला है। चोरी नहीं करने देगी।
करने देंगी। संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या फिर विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकतंत्र को पूरी तरह से यहां पर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और इसके पहले हमने देखा था कि एक बड़ा कैंपेन कांग्रेस की तरफ से चलाया गया था लोकतंत्र बचाओ के नाम से, संविधान बचाओ के नाम से, और एक बार फिर से उसी को उठाया जा रहा है। राहुल गांधी अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे कंसल्टेंट एडिटर अजीत मंदोला एक बार फिर से जुड़ गए। अजीत जी, साफ तौर पर फिर से वही नारा, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी हमलावर हैं, वो कैंपेन क्या फिर से यहां पर शुरू किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिला है और कांग्रेस नहीं चाहेगी कि इसको छोड़ा जाए। इसलिए आज ये जिस तरह से सीबीआई मुख्यालय पर जाकर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उससे यही कांग्रेस ने संदेश दिया है कि अब इस मामले को लेकर खासी गंभीर है। क्योंकि देखिए इससे क्या है कि जो भ्रष्टाचार का मामला है वो एक तरह से गर्म हो गया है 2019 के लोकसभा चुनाव आने से पहले पहले जी। अब हालांकि सरकार की तरफ से गृह मंत्री और सीधी तस्वीरें इस वक्त